आइए भक्तों, आज जानते हैं बौरुधनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। बौरुधनी एकादशी व्रत 2024 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बौरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में बेहद खास माना जाता है। अन्य एकादशी की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहा जाता है कि जो लोग बौरुधनी एकादशी के व्रत का पालन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, उन्हें तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी पापों कर्मों का नाश होता है, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये व्यक्तित्व को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्रदान करता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण करने से कन्या दान करने और हजार वर्षों का तप करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत को कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है। बौरुधनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी एवं भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। इससे मनुष्य आर्थिक संपदा मिलती है, साथ ही को भूत पिशाच जैसी अगम योनियों के जन्म लेने से मुक्ति भी मिल जाती है। बौरुधनी एकादशी को स्वर्ग में स्थान पाने का विशेष मार्ग भी बताया जाता है। कहते हैं कि यह पावन तिथि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस तिथि को अत्यंत विशेष महत्व दिया गया है। बौरुधनी एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ पापों से मुक्ति के लिए बौरुधनी एकादशी का व्रत किया जाता है। बौरुधनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था दर्शाने का अवसर माना जाता है। इसीलिए भी पुराणों में इस दिन व्रत करने का बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अगले जन्म में किसी भी निम्न या शापित योनि में जन्म लेने से बचने के लिए बौरुधनी एकादशी का व्रत अभ्यास करना चाहिए। बौरुधनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बौरुधनी एकादशी 4 मई 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। शनिवार तिथि की शुरुआत 3 मई 2024 को रात 11:24 से होगी और इस तिथि का समापन 4 मई 2024 को रात 8:38 पर होगी। वही 5 मई को पारण किया जाएगा जिसका समय सुबह 5:37 से होगा और सुबह 8:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है। शाम 5:41 बौरुधनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करे, फिर पूजा के स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प करे और पूजा स्थल पर एक चौकी रखे, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर जलाभिषेक करें, फिर पीले रंग के फूल, अच्छा धूप दीप, तुलसी का पत्ता, चनामृत आदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, फिर बौरुधनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करे। अब अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारे और प्रसाद का वितरण करे। बौरुधनी एकादशी पर इन चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत से संबंधित शास्त्रों में कुछ अहम नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यकता माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बौरुधनी एकादशी के दिन दान्य पुण्य करने का बेहद महत्व माना जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन दान कर्म जरूर करें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का भोग
अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा जिन लोगों ने वरुधनी एकादशी का व्रत नहीं किया है वे लोग भी इस दिन सात्विक चीजों का ही सेवन करें। वही इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन मांस मदिरा और अन्य किसी भी प्रकार का तामसिक चीजों का सेवन न करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसीलिए हो सके तो इस दिन चावल का सेवन न करें। एकादशी तिथि को किसी पर भी क्रोध करने से बचे और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग न करे। साथ ही एकादशी तिथि पर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करे।